नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार अष्टमी तिथि दोपहर 1:20 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में सुबह 8:10 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। स्वाति नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, लोकप्रिय और देवताओं और ब्राह्मणों के सम्मान करने वाले होते हैं। ऐसे जातक संवेदनशील, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, अद्भुत स्मरण शक्ति वाले, तुलनात्मक तर्क शक्ति करने में निपुण, विनम्र, मानवतापूर्ण कार्यों में रुचि रखने वाले, नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले, स्वतंत्र विचारधारा वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा राहु और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज तुला राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आज बृहस्पति और चंद्रमा की युति तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में ही बन रही है, जिसका प्रत्येक जातकों पर उनके अपने अपने कारकों और महादशा के अनुसार प्रभाव पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, मगर साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। काल सर्प योग आपके चौथे भाव सुख भाव से गठित हो रहा है। निजी सुख संतुष्टि में कमी, माँ के स्वास्थ्य की चिंता, जमीन जायदाद संबंधी विवाद, संतान संबंधी चिंता और दोषारोपण इत्यादि की संभावना भी बनती है। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी और अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों छठवें भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित है। समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु और चंद्रमा की युति पांचवें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर आर्थिक मामलों में सोच समझ कर उचित निर्णय लेना चाहिए। अधिक जोखिम वाला आर्थिक निर्णय आज के लिए स्थगित कर दें। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम चालू होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए टाल दें। वैचारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। साथ ही साथ सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कमर व पेट संबंधी समस्याएँ संभावित हैं। सिंह राशि के जातकों के सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। गुरु चंद्रमा का योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आपके कार्य पूरे होंगे। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर अनावश्यक वाद विवाद, दोषारोपण, विरोधियों से सावधानी और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल विकसित होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नेक इरादे और सकारात्मक सोच सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निर्णय से बचें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विरोधियों की साजिश से सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ, अतिरिक्त जिम्मेदारी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी मगर कार्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च, निजी निवेश और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है मगर आत्मविश्वास में कमी, कामों में रुकावट और अनावश्यक चिंता भी संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी होने या खोने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे मगर आर्थिक लेन देन के साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ संबंधी सावधानी आवश्यक। वाद विवाद, वाणी में उतावलापन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। मकर राशि के जातकों के लिए दिन भर का समय कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ बीतेगा। अपनी कार्य क्षेत्र का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करेंगे। नई कार्य योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे मगर संतान संबंधी चिंता, पारिवारिक सुख सौहार्द में कमी, निजी रिश्तों में गलतफहमी, साझेदारी में विवाद और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है मगर कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। विरोधी परास्त रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप और विवाद की संभावना भी बनती है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। सूर्य राहु बुध के पंचम भाव में रहने, चंद्रमा व बृहस्पति के आठवें भाव में राहु के नक्षत्र में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहहीनता की स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव संभावित है मगर आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए।
आर्थिक लाभ का सहयोग मिलता रहेगा, मगर अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।